गाइस, हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ आपकी फ्रेंड अंकिता प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टुडे साउथ, जहां हम कराते हैं आपका साउथ फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के साथ एक नई अपडेट लेकर। प्रभास की फिल्म में हुई मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री। बाहुबली जैसे सुपरहिट फिल्म देने के बाद साउथ के सुपरस्टार प्रभास की अभी हाल ही में कमिंग फिल्म की शूटिंग खत्म हुई है। इस फिल्म का नाम लव स्टोरी है, लेकिन इस फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर आप सभी काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। दरअसल खबरें आ रही हैं कि इस फिल्म में प्रभास के साथ मिथुन चक्रवर्ती नजर आने वाले हैं, यानी कि इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री हो सकती है और इस फिल्म में वह नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। हालांकि प्रभास इस फिल्म में एक ज्योतिषी की भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और प्रभास के अलावा भाग्यश्री भी हैं, जो कि इस फिल्म में काफी अहम भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का नाम अभी फिक्स नहीं हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म का नाम हो सकता है नाम ओडियर या फिर राधे श्याम। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती फिल्म में है या नहीं इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगर इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री होती है तो एक बड़ा और धमाका हो सकता है। इस फिल्म के निर्माता गोपी कृष्ण है। यह फिल्म तेलुगु भाषा में बनेगी और फिर इस फिल्म को अन्य भाषाओं में डब किया जाएगा। फिलहाल तो इस फिल्म के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। तो आप सभी कितना ज्यादा खुश हैं मिथुन चक्रवर्ती की इस फिल्म में एंट्री से, हमारे कमेंट सेक्शन में जा लिखकर जरूर बताएं। today.com पर भी हमारे न्यूज को आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट्स हम आप सभी को प्रोवाइड कराते रहें। चल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग टुडे साउथ।